ये चेक करें जी। हाँ जी भाई, बहुत अच्छा। ये गिंजा स्ट्रीट है, बड़ी मशहूर जगह है ये गिंजा टोक्यो में। और ये जी हमें जगह भी मिल गई है, बैठे जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अभी हम आए जी गिंजा में, और ये गिंजा स्ट्रीट है, बड़ी मशहूर जगह है ये गिंजा टोक्यो में। और चलते हैं जी, आपको गिंजा दिखाते हैं। गिंजा यहाँ पे हर एक ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं यहाँ पे, ये सारी स्ट्रीट पे। और आपको साथ साथ दिखाते हैं, देखते रहिए, साथ रहिए। अभी जी फ़िलहाल तो हमें भूख लगी है, हम जा रहे हैं खान रेस्टोरेंट। खान रेस्टोरेंट वो ही है जो परसों हम बर्फ़ में देखते रहे हैं उसको। लास्ट बार में आपने देखा होगा कि बर्फ़ में हम वहाँ पे गए ना, कंप्लेन करेंगे। खान रेस्टोरेंट पे हम गए और वहाँ जब जाके देखा तो वो बंद था, क्योंकि उस दिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी यहाँ पे टोक्यो। इसीलिए अभी आज फिर हम जा रहे हैं जी खान रेस्टोरेंट पे। खान ये पाकिस्तान रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मुस्लिम फूड मिलता है और मज़ेदार रेस्टोरेंट है। खैर आपको जाके दिखाते हैं, उनका खाना भी दिखाते हैं कैसा है। और खाना खाने के बाद ज़रा थोड़ा सा गिंजा घूमते हैं। A few minutes later. पे उसी जगह पे आ गए हम, ये जी खान रेस्टोरेंट वाली जगह पे जहाँ पे हम लास्ट टाइम आए थे, और ये बंद था, सिक्स फ्लोर था जी। अभी खान रेस्टोरेंट पे जाते हैं और देखते हैं कि आज वो खुला होगा या नहीं, क्योंकि वो लास्ट टाइम हम आए थे और वो बंद था। वो मे भी वैसे ही बंद था, वो स्नो की वजह से बंद था। खैर आज देखते हैं और इनका खाना भी खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा खाना है, इनका टेस्ट बताते हैं आपको। ये ओपन, और आज ओपन है जी खान रेस्टोरेंट। ये देखेंगे, शुक्र है। और आज अंदर रश देखें कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है जी अंदर। ये देखें जी यहाँ पे खान रेस्टोरेंट पे कितना ज़्यादा रश है जी। और हम अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। ये जी हमें जगह भी मिल गई है, बैठे जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है जी, बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है ये। और खाने यहाँ पे पाकिस्तानी है, और लोग यहाँ पे जापानी बैठे हैं जी खाने के लिए। बिरयानी, समोसे, ऐसी चीज़ें ये लोग खा रहे हैं जी। और अभी हम भी ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करके देखते हैं। देसी रोटी है? हाँ, एक देसी रोटी कर दो, दो कर दो रोटी देसी, और एक नान कर दो, और एक चिकन कढ़ाई, और सीख कबाब। ओके हो गया। ये जी हमने ये ऑर्डर दिया है, ऑर्डर आता है आपको दिखाते हैं इनका विदाउट आइस। और इनका जो है ना खा के आपको दिखाते हैं टेस्ट भी कैसा है। और यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, ये चेक कर सकते हैं आप। ये सब जापनीज़ लोग हैं, ये शायद इनका टेस्ट पसंद करते हैं ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे समझ लेके एक दूसरे की आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही, यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर इन लोगों ने मचाया हुआ है जी। अगर जी हमारा कढ़ाई, चिकन कढ़ाई है जी, साथ में एक कबाब है, साथ रोटी है, अभी साथ नान भी आएगा। और ये जनाब अभी हम खाने लगे हैं और आपको खा के फिर दिखाते हैं जी। काफ़ी मज़ेदार टेस्ट है इनका। हाँ जी भाई, कैसा टेस्ट है इनका? मज़ेदार, मज़ेदार मज़ा है जी, टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। नहीं जी हमने खाना खा लिया यहाँ से, अभी निकलते हैं यहाँ से जी, चलते हैं अभी गिंजा की तरफ, थोड़ा सा घूमते हैं और फिर चलेंगे जी वापस होटल में, क्योंकि ये सामने गिंजा है, थोड़ा सा गिंजा घूमते हैं और चलते हैं फिर होटल में। चलें जी खाना खा लिया, अभी हम निकले हैं जी फिर बाहर। ये देखें जी गिंजा के नज़ारे, ये चेक करें, ये देखें जी क्या बात है जी। और इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है हमें, क्योंकि यहाँ पे हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी साथ साथ, और बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल हुआ है यहाँ पे। और ये अली हसन भाई मोबाइल ही चला रहे हैं उस वक्त, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं ये। ये देखिए जी हमें रास्ता मिला जी O2 कैप्सूल, और इसमें जाकर देखते हैं क्या चीज़ है, हो सकता है कोई मज़ेदार चीज़ ही हो, देखते हैं जाके। अभी हम इसके अंदर आए हैं, देखने आए हैं ये क्या चीज़ है जी,
देखते हैं, इस वक्त बंद हो गया और वो कह रहे हैं कि सुबह आए, अभी देखते हैं। उन्हें कहा कि हमने जाना है और वो टाइम टेबल दिखा रहे हैं जी अपना। और हमने चलो हमने कहा जाकर देखते हैं, इसका एक्सपीरियंस लेते हैं। देखें जी गिंजा में ये फ्री वाईफाई इज़ अवेलेबल हेयर है, ये चेक कर सकते हैं आप जी। ये टोक्यो है, टोक्यो यहाँ पे फ्री वाईफाई भी मिलती है। और हमारे वहाँ पे फ्री वाईफाई तो एयरपोर्ट पे भी नहीं मिलती। हमारे तो वहाँ पे पाकिस्तान में अगर एयरपोर्ट पे भी कोई वाईफाई आया ना तो कनेक्ट करें तो वो चलती नहीं है। दुबई में भी ठीक है, दुबई में अच्छी वाईफाई है फ्री मॉल्स में और एयरपोर्ट्स पे। और यहाँ पे तो ये देखें रास्ते में ही है जी फ्री वाईफाई, क्या बात है। ये इस वक्त भी लोग घूम रहे हैं जी, रात के तकरीबन 10 हो गए हैं जी, और लोग फिर भी आराम से घर नहीं बैठ रहे, घूम ही जा रहे हैं बस। ये लोग काम से आ रहे हैं, कुछ लोग काम से भी आ रहे हैं। हाँ ऐसा भी है, और ये पुलिस वाले भी हैं। ये देखें जी, ये चेक करें जी। हाँ जी भाई बहुत अच्छा। कितना 1000 यान की सीडी, ये क्या सिस्टम है जी? नहीं पता। ओ यूनिक्लो ये जी जापान का मशहूर ब्रांड है यूनिक्लो। चलते हैं यहाँ से देखते हैं कुछ। ओ ये तो क्लोज है, यूनिक्लो क्लोज है भाई। हम देखने गए थे अंदर लेकिन क्लोज है, ये चेक कर लेते हैं। जापान का मशहूर ब्रांड है ये, बिल्डिंग सारी इन्हीं की है, इतना बड़ा ब्रांड है ये। वैसे भी पूरे जापान में है और बहुत मशहूर ब्रांड है जी, अच्छा ब्रांड है ये। बाकी सारे ब्रांड भी ये देखें जी इधर। ये जी अभी यहाँ से कुछ देखना, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्लोज है भाई, नहीं ओपन है। हाँ ओपन है, यहाँ से लेना जी। एक दो शर्ट लेनी है जी, देख लेते हैं यहाँ से, देखते हैं जी कुछ। व्हाट क्लोज? हाँ ओके ओके लें जी, ये भी क्लोज है। यहाँ से भी अभी नहीं कुछ भी ले सकते क्योंकि क्लोज हो गया। और अभी फिर जाना ही पड़ेगा वापस। हमने एक शर्ट और एक दो पैंट लेनी थी लेकिन यहाँ पे सब क्लोज हैं, तो इसलिए अभी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए हम चलते हैं जी वापस घर। बड़ी ठंडी हवा चल रही है और बड़ी सर्दी लग रही है, और अभी चलते हैं वापस होटल में क्योंकि ये बंद हो गया सारा। यहाँ पे सारे ब्रांड हैं और ब्रांड्स ऐसा ऐसा सारे बंद हो गए। हमने एक दो शर्ट और पैंट वगैरह लेनी थी लेकिन ये सारा कुछ बंद हो गया जी। ये चेक करें, रश लगा हुआ जी, एम्बुलेंस आ रही है और ये सारी टैक्सी है, ये सारी टैक्सी यहाँ पे खड़ी है जी। ये देखें जी हम होटल की तरफ वापस जा रहे हैं, और हमारे होटल वाली साइड पे ये देखें, हमें पता ही नहीं था इतनी रौनक है, इतना रश है इस साइड पे क्योंकि यहाँ पे कल बारिश थी, परसों स्नो पड़ रही थी, तो इस वजह से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था। आज मौसम साफ था ना, तो इसलिए आज देखें कैसे रश हुआ है जी यहाँ पे, रौनक लगी हुई है यहाँ पे सही। ये फैमिली मार्ट और ये अच्छी जगह है, हमें तो पता ही नहीं था क्योंकि लास्ट यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी, उस वजह से कोई बाहर ही नहीं था निकला, कोई रश नहीं था। हम गिंजा सारा घूम के और अभी होटल वाली साइड पे जा रहे हैं। रास्ते में भी कुछ पीने के लिए 7-Eleven पे रुके हैं जी, ये वहीं जा रहे हैं अभी। और गिंजा आपको थोड़ा सा ही दिखा सके, डिटेल से नहीं दिखा सके क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था इस वजह से। और अभी हम जा रहे हैं, इजाज़त दें, आपको मिलते हैं जी फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, कल फिर नए व्लॉग में आपको मिलेंगे जी। ओके हो गया, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय।